अमित सैनी ने हिला दिया था पूरा हरियाणा, हिट गानों की बारिश सी कर दी थी। तो भाइयों आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, पहले के मुकाबले अमित सैनी के गाने की क्वांटिटी भी कम हो गई है और पहले के मुकाबले अमित भाई के गाने अब ज़्यादा ना चला करते। हाँ कुछ गाने ऐसे हैं जो अच्छे चल जाया करें, जिन पे अच्छे व्यूज़ आ जाया करें, लेकिन आज से लगभग 1.5 साल पहले अमित सैनी ने जैसे गानों की बारिश सी कर दी थी और सारे के सारे हिट गाने दिए थे। तो आज के इस वीडियो में उसी दौर की बात करेंगे और उस दौर के उन हिट गानों की बात करेंगे जो अमित सैनी ने हरियाणा को दिए थे। तो 2 फरवरी 2020 ने अमित सैनी भाई का गाना आया था जब 16 साल का था खलनायक देख ली। जब 16 साल का था खलनायक देख ली रे उस दिन तक गाड़ी में बत्ती और डे, जिस पे आज के टाइम पे व्यूज की बात करें तो पूरे 125 मिलियन व्यूज हैं। और फिर 19 जून ने अमित भाई का गाना आया ब्लेड के निशान। तेरा नाम लिख लिख मेरी नस कट गई रे मेरे आथा पे बोले जागे निशान गवा से, जिस पे आज के टाइम पे पूरे 19 मिलियन व्यूज हैं। और फिर 25 जून ने आया अमित सैनी भाई का संजय दत्त गाना। जिस पे आज के टाइम पे पूरे 15 मिलियन व्यूज हैं। और फिर अमित सैनी भाई का गाना आया जिसका नाम था धक्के मार के। तेरी ये बैठा बजाल रही थी बैलड़ी रे साली धक्के मार के ना काटी दिल ते। और आज के टाइम पे इस गाने पे पूरे 17 मिलियन व्यूज हैं। और फिर 10 अगस्त ने अमित भाई का गाना आया विवाद। अरे मैं किक्के गाऊंगे के सो डूमन है बिना बेरा मेरे वजन भी आ जा सभी बात, जिस पे आज के टाइम पे पूरे 25 मिलियन व्यूज हैं। और 2 सितंबर ने अमित सैनी भाई का काले कान्हा में गाना आया। काली दुनिया समारी काले कार दा मेजारा कवा दुनिया या काली, जिस पे आज के टाइम पे पूरे 17 मिलियन व्यूज हैं। और फिर 5 सितंबर ने अमित सैनी भाई का गाना आया जिसका नाम था 40 किलो। जिस पे आज के टाइम पे पूरे 16 मिलियन व्यूज हैं। और फिर 10 अक्टूबर ने अमित भाई का गाना आया मोस्ट वांटेड। जिस पे आज के टाइम पे पूरे 22 मिलियन व्यूज हैं। और फिर 16 अक्टूबर ने अमित भाई का गाना आया जिसका नाम था रूल तोड़ने। गणे बैठ लिए कुलीब तोड़ने सरूल और खाम खागी खितू आया मारनी पड़े। जिस पे आज के टाइम पे पूरे 33 मिलियन व्यूज हैं। और फिर 17 अक्टूबर ने अमित भाई का गाना आया बोल सच्चे दरबार की। उड़ा की प्यार की मखा बोल सच्चे दरबार की। जिस पे आज के टाइम पे पूरे 50 मिलियन व्यूज हैं। और फिर 25 अक्टूबर ने अमित भाई का गाना आया जूस पिया कर। अरे जूस सास तेरे जिसे पिया कर रात रे और तक देते सर पीने खानी। जिस पे आज के टाइम पे पूरे 14 मिलियन व्यूज हैं। और फिर 5 नवंबर ने अमित भाई का गाना आया डायलॉग। जिस पे आज के टाइम पे पूरे 85 मिलियन व्यूज हैं। और फिर 24 नवंबर ने अमित भाई का गाना आया दोगली। जिस पे आज के टाइम पे पूरे 17 मिलियन व्यूज हैं। तो 2020 में अमित भाई ने लगभग 13 से भी ज़्यादा हिट गाने दिए, और हिट गाने मतलब जिन गानों पे 15 मिलियन से ज़्यादा व्यूज हैं वो गाने। तो 2020 था वो साल जब अमित भाई ने पूरा हरियाणा हिला दिया था। लेकिन आज के टाइम पे अमित भाई के गाने थोड़े कम चले कर रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा जल्द ही अमित भाई अपने पुराने वाले टेस्ट में आ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय राम जी की, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।